चार चार हो गया। एक गली के थे हम दोनों, एक मेरी बात तो सुन भैया, अदील भाई है ना मेरे बचपन के दोस्त हैं, चड्डी में घूमा करते थे। मैं ये सोच रहा हूँ यार, जब सैफी भाई को मैं छक्के मार सकता हूँ तो मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में क्यों नहीं जा सकता? जा सकता हूँ, श्रीलंका की टीम तो पक्का खेल लेंगे हम लोग। मालदीव से सोच रहा हूँ, श्रीलंका पहुंचा दिया। आज से तकरीबन 2 साल पहले जब मैं अपने चैनल पे वीडियो डालता था ना, तो उस पे 10 व्यूज आते थे, जिसमें से 4 व्यूज मेरे घर वालों के आते थे। जब बाहर निकलता था और लोगों की बातें सुनने को मिलती थी कि भाई तेरे चैनल पे 1000 व्यूज कब आएंगे, एक वो दिन था और एक आज का दिन है कि मैं सरफराज अहमद के साथ उनकी गली में क्रिकेट खेलने जा रहा। तो भाई मेरे इस हार्ड वर्क पे ना एक सब्सक्राइब तो बनता है भाई। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, थोड़े से पैसे भी मिल जाते हैं। तो भाई अभी सीन ये है कि कॉल आ चुकी है, 4 आवर का वहाँ पे मैच है, सरफराज अहमद की टीम में जाते हैं या मिशकात खान की टीम में जाते हैं कुछ पता नहीं, अभी वहाँ चलते हैं, बाइक की किक मारते हैं और डायरेक्ट उनकी गली में चलते हैं। सलाम वालेकुम अदिल भाई, इधर आ जाओ। अदिल भाई, अदिल भाई, सैफी भाई ने सारे खतरनाक क्रिकेटर ले लिए, मैं अकेला यहाँ पर हूँ, समझा करो, तुम्हें सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ सपोर्ट करो, आ जाओ आ जाओ अदिल भाई, बैटिंग करो जाओ। अगर मैं आउट हो गया? अबे आउट हो गए तो खैर है, हम बोलेंगे काफ से कच्ची थी। अदिल अगला कप्तान करेंगे। दूसरा ओवर है, 35 रन होगा, 3 बॉल है। राइट बॉल, जावा बॉलर प्रेशर में आ गया, बॉलर प्रेशर में आ गया। डॉट बॉल, अभी तक 60 रन कर दिया हमारी टीम ने, और अगर इसमें 10 रन भी आ गए तो बहुत रन है पे, फिर सैफी भाई को तो पकड़ना और कोई भी नहीं है। 70 रन करने हर हालत में, सैफी भाई का पता नहीं है। कितनी बॉलें बाकी? 2 बॉलें बाकी, 2 बॉल, 2 पे 1 छक्का मार दो। जब तुमने कप्तान को मार दिया तो बच्चा क्या है तुम्हारे लिए? शाबाश मिशकत भाई, रनर की जरूरत नहीं है मिशकत को, ये देखो सही है, खेलो खेलो खेलो। अबे घर का आउट है बाबू, घर का आउट होते हैं। शाबाश, आखिरी बॉल है। ओबे यार डॉट हो गई, चलो सही है। क्या विन है? चलो भाई 68 का मुझे थोड़ी पता है, यहाँ पे घर का आउट होता है। 68 रन का विन दिया है हम लोगों ने 4 ओवर में। कप्तान आ गया बैटिंग पे, कप्तान को आउट करना है, आउट कर देगा तुम्हारा भाई, अभी करेगा अगर चेक करना है। कप्तान बेटा यहाँ मारना शुरू किया ना कप्तान ने, अगर बना देंगे। छक्का पड़ गया भाई, 3 बॉल, 4 हो गया, 4 कितने हो गए, कितने रन शेर कटा गए, 11-12 हो गए, 11-12 बोल्ड हो गया भाई। कप्तान को बोल्ड कर दिया भाई, एक गली के थे हम दोनों, एक मेरी बात तो सुन भैया, अदील भाई है ना मेरे बचपन के दोस्त हैं, चड्डी में घूमा करते थे भाई। चलो हम अभी ये मैच आपका बहुत ही मुश्किल हो गया जीतना, कोई बात नहीं, आप हमारी टीम से आप ही खेल लेना। हाँ ये कर लेंगे, चलो
और सरफराज भाई के ऊपर गेम था पूरा। तो सरफराज भाई आउट हुए पांचवी बॉल पे, सोनू भाई ने स्कोर किया, ये एक और छक्का हो गया। अब कितने आ गए रन, एक ओवर में 18 18 रन आ गए भाई। और अब कितने रन रह गए, 50 रन रहेगा अभी, तीन ओवर में बहुत है, बहुत है हम जीत ही गए। भाई एक ओवर में 18 रन आ गए, मुझे ओवर दीजिए इन लोगों ने, कह रहा तुम पिटो। खैर बच्चे हैं ये तो मार नहीं पाएंगे। भाई पट्टी किसने मार दी है बॉल पे, बॉल पे पट्टी मार दी, पट्टी मारे गलत कर दिया। सिंगल जी जी ये तीसरा ओवर है, मुस्कात ट्राई कर रहे हैं ओवर, आउट हो गया भाई, घर पे चले गए, बस खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया भाई। पहले में सोनू भाई को 18 रन लग गए थे लेकिन सरफराज भाई को आउट कर दिया, दूसरे में मुझे 11 रन लगे और ये पहली बॉल पे आउट कर दिया, तो मैच खत्म हो गया, हम जीत गए। हमारे सामने कोई जीत सकता है यार, जीत तो नहीं सकता। देखो सैफी भाई आया, सैफी भाई को यार मतलब छक्के मार दिए, गोल मार दिया, उन्होंने बड़े कड़क छक्के मारे थे मेरे। मैं ये सोच रहा हूँ यार, जब सैफी भाई को मैं छक्के मार सकता हूँ तो मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में क्यों नहीं जा सकता। जा सकते हो, श्रीलंका की टीम से तो पक्का खेल लेंगे हम लोग, जीत कर गए। मैं मालदीव से सोच रहा था, तुमने श्रीलंका पहुंचा दिया। चलो यार, बॉल पे आपके भाई ने विकेट ले लिया, अब देखते हैं क्या होगा। चले बाबू यार, हाँ चलो, मैच तो खत्म हो ही चुका है, खत्म हो गया मैच, सरफराज भाई पे था वो आउट हो गए, चले गए भाई, मैच वन साइडेड जीत गए। यहाँ पर कप्तान से उम्मीद थी लेकिन कप्तान चले नहीं आज यार, बॉलर भी तो इतना खतरनाक लगा देता सामने, ऐसा लगा है मुरलीकरण का भाई लग रहा था मुझे भाई वो। तो दोस्तों ये था हमारा आज का व्लॉग जिसमें हमने सरफराज अहमद के साथ क्रिकेट खेली, और यकीन करें मुझे एडिट होते हुए यकीन नहीं हो रहा था कि भाई यार मैं सरफराज अहमद के साथ कभी व्लॉग बनाऊंगा या कभी वीडियो बनाऊंगा या कभी उनको अपने व्लॉग में ले लूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा बंदा है लेकिन उतना ही डाउन टू अर्थ है। तो जितने भी सरफराज अहमद के फैंस, उनको बोलना चाहूंगा भाई ऐसा बंदा मैंने आज तक नहीं देखा जिसमें जीरो एटीट्यूड है, गली के बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा है। तो भाई ये थी हमारी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सारा ख्याल रखना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़।